हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। थर्मल कंडक्टिविटी के बेस्ट लास्ट दोनों तीनों लेक्चर को आप बराबर देखना। उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, dQ बाई dt इक्वल टू k dt बाई dx। ये हमारा कंडक्शन का फॉर्मूला था। यहां पर याद रखना, देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एक था कंडक्शन, एक था कन्वेक्शन और एक था रेडिएशन। इसमें से कंडक्शन वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये कोई भी रॉड ले लो, ये मटेरियल या रॉड, इस रॉड में से हीट फ्लो होती है, उसका ये फॉर्मूला था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ। इसमें का के जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये के को हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, व्हाट इज द के इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता? थर्मल कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ हीट। किसी भी मटेरियल में से कितनी हीट फ्लो हो सकती है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो रिप्रेजेंट करेगा ये के लेटर। अगर मान लो ये मैंने ले लिया मेटल, सो मेटल में से ज्यादा हीट फ्लो हो पाएगी, यहां से हीट एंटर होगी और यहां से हीट बाहर निकलेगी, तो मेटल ज्यादा हीट को जाने देगा। तो हीट अगर ज्यादा जा रही होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर मैंने मेटल के जगह पर कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल किया या तो उड़न ब्लॉक का इस्तेमाल किया, तो उड़न ब्लॉक या प्लास्टिक, इसमें से कम हीट फ्लो होती, यानी नहीं के बराबर। तो हीट अगर कम फ्लो हो रही होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी कम रहेगी। अभी किसके ऊपर डिपेंड होता है? अगर बेटा मैंने मेटल लिया तो मेटल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये मेटल के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जैसे ही हम एक एंड पे हीट सप्लाई करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर रीजन, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हीट को ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से हीट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते। सो मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। रीजन क्या है उसका, कि मेटल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही आप एक तरफ से हीट देते हो तो उस हीट को ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर लेते। वैसे देखा जाए तो हीट सॉलिड में फ्लो होती ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। एटम्स आपके वाइब्रेट होते रहते हैं अबाउट देयर मीन पोजिशन। और कंडक्शन में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता, यानी एटम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, सो यहां पे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। क्या है आपका पहला पॉइंट, कि कंडक्टर यानी वो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वजह से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो उसकी हाई वैल्यू रहेगी। अगर बेटा मैंने परफेक्ट कंडक्टर लिया तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंफिनिटी रहेगी। ये आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। मेटल कहा तो कंडक्टिविटी हाई रहेगी, परफेक्ट कंडक्टर कहा तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो गई, इंफिनिटी। अब इसमें क्विक एंड इजी फ्लो ऑफ हीट, कंडक्टर में से हीट इजीली फ्लो होती और क्विकली फ्लो होती, ठीक है, जल्दी से और आसान तरीके से फ्लो हो जाती। थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अगर कॉपर लिया, कॉपर का एक रॉड लो, दूसरा रॉड लो, तीसरा रॉड लो, कॉपर का रॉड छोटा लो या कॉपर का रॉड बड़ा ले लो, उससे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं बदलती। थर्मल कंडक्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहती है फॉर द गिवन मटेरियल। ये कॉपर का है, फिर वो छोटा रहे, बड़ा रहे, उसकी लेंथ ज्यादा रहे, कम रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्मल कंडक्टिविटी इज कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। कॉपर है तो कॉपर के लिए फिक्स है, लेकिन वो बदलेगी अगर मटेरियल चेंज हो गया। तो जैसे कॉपर की जगह पे सिल्वर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ब्रास ले लिया, वुडन ब्लॉक ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, तो अगर मटेरियल चेंज हो रहा है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होती है। ये पॉइंट याद रखना। अब बेटा अगर हमने बैड कंडक्टर लिया, बैड कंडक्टर यानी क्या, इंसुलेटर,
बैड कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते या तो बहुत ही कम पैमाने पे रहते, तो इस वजह से ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी लो रहती है कंपैरेटिवली। सो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, यानी एग्जांपल वुडन ब्लॉक या तो प्लास्टिक, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम रहेगी। ये पॉइंट्स याद रखना। अगर हमने परफेक्ट इंसुलेटर ले लिया तो के की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो यहां पे चेक कर लो बेटा, परफेक्ट इंसुलेटर हीट को जाने ही नहीं देगा, तो हीट के फ्लो होने की एबिलिटी क्या हो गई? जीरो। वही अगर परफेक्ट कंडक्टर ले लिया तो ये 100% हीट को फ्लो कराएगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो गई? इंफिनिटी। इसके बाद अब मेटल के बारे में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, अगर हम मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दे तो एटम ज्यादा वाइब्रेट होने लगते। जैसे ये ध्यान देना बेटा, बराबर ये आपका है मेटल, मेटल के अंदर रहते एटम्स, ये वाइब्रेट होते रहते और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होते रहते। अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो ये एटम ज्यादा वाइब्रेट होने लगता, और ये अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होने लगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और बेटा रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो करंट घट जाएगा। करंट यानी क्या? फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो घटेगा, घटेगा यानी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये वाला पॉइंट बराबर याद रखना, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम ज्यादा वाइब्रेट होने लगते और इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत आती, तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता, तो करंट घट जाता, यानी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी घट जाती। इसी के उल्टा होता है अलॉयज के बारे में। अलॉयज में अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस आपका घट जाता है, और रेजिस्टेंस घटा तो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो इस केस में थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है अलॉयज के केस में। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, अब बेटा इसके बाद ये चार्ट आप देख लेना, थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, और थर्मल रेजिस्टेंस का भी यूनिट क्या है। ये वाले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्लियर? ये वाले भी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन और थर्मल रेजिस्टेंस का भी एसआई यूनिट। इनको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं ये कैसे आ रहे। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता रहना चाहिए, उस फॉर्मूले से आप यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी का। प्रीवियस एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं कंडक्शन पे। अभी देखो बेटा क्या है हमारा फॉर्मूला, dQ by dt इक्वल टू kA dT by dx, ये फॉर्मूला है। अब इसको सिंपल फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। dQ यानी क्या? हीट। यहां पे बेटा kA लिखा हुआ है, k इंटू ए, ठीक है, kA dT by dx। dQ का मतलब हीट, हीट का मतलब ही वर्क डन, तो हीट के जगह पे सीधा सीधा वर्क डन लिख दो। ये टाइम है, टाइम के लिए टी लिख दो, इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी का के, एरिया बोले तो साइड का स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर होता है वो। इसके बाद टेम्परेचर को लिख दो थीटा, टेम्परेचर को मैंने थीटा लिख दिया टेम्परेचर के लिए, और डीएक्स बोले तो लेंथ, इसको एल ले लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, हीट इज नथिंग बट वर्क डन, टाइम इज टी, थर्मल कंडक्टिविटी के, एरिया इज साइड का स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए थीटा और लेंथ के लिए एल। नाउ एल एल कैंसिल हो जाएगा आपका। इसके बाद वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। ये हो गया जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इक्वल टू ये के हो गया, लेंथ के लिए मीटर ले लो, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस ले लो, तो के इक्वल टू क्या हो गया? जूल पर सेकंड, मीटर, डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे आ रहा है बेटा। बराबर ध्यान दे देना यहां पर,
ये जूल पर सेकंड हुआ क्योंकि वर्क डन का आ जाएगा जूल, टाइम का आ जाएगा सेकंड, लेंथ का आ जाएगा मीटर, और ये गया डिग्री सेल्सियस। अब आप इसमें रीअरेंज क्या कर सकते हो बेटा, जूल रहा तो ऐसा है, ऐसा यूनिट में लेते हैं जूल, ठीक है ना। वही अगर सीजीएस में लेना रहा मुझे तो सीजीएस में लूंगा मैं कैलोरी। तो आप वर्क डन के जगह पर दो चीजें ले सकते हो, या तो जूल ले सकते हो या तो कैलोरी ले सकते हो। ऐसा ऐसा है कहा तो जूल लेना, सीजीएस कहा तो कैलोरी ले लेना। इसके बाद टाइम का तो सेकंड ही रहेगा, ऐसा है रहे या सीजीएस रहे, टाइम सेकंड में ही रहेगा। वही अगर आपका ये मीटर है तो मीटर लिखा रहा तो किसमें होता है, एसआई में। अगर एसआई लेना है लेंथ के लिए तो मीटर, अगर सीजीएस लेना है लेंथ के लिए तो सेंटीमीटर। तो आप यहां पर मीटर भी रख सकते हो, यहां पे सेंटीमीटर भी रख सकते हो। इसके बाद डिग्री सेल्सियस रहा तो सीजीएस में, और चाहे तो आप यहां पे केल्विन लिख सकते हो, अगर केल्विन लिखा तो एसआई में। बातें बराबर समझना, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में ले रहे हैं हम लोग, एसआई और सीजीएस। लेंथ रहा तो मीटर, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, ये लेंथ के लिए हो रहा है, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हीट कहा तो हीट के लिए जूल, यहां पे कैलोरी। अगर मैंने टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर के लिए यहां डिग्री सेल्सियस, यहां पे केल्विन, इनका इस्तेमाल करना। क्लियर है? इस तरीके से आप इंच इसको अगर बराबर यूज करते हो तो बराबर आपके यूनिट मैच हो जाएंगे। इसके बाद बेटा जूल पर सेकंड जो होता है वो जूल पर सेकंड की जगह पर आप वैट रख सकते हो। तो ये जूल पर सेकंड की जगह पर मैंने वैट रख दिया, डिवाइडेड बाय मीटर, और ये डिग्री सेल्सियस, ऐसा ले सकते हैं। तो ये वैट पर मीटर और ये डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन लूंगा अगर मुझे एसआई लेना है तो। एसआई लेना रहा तो केल्विन लेना, सीजीएस रहा तो डिग्री सेल्सियस लेना। क्लियर इतना? तो इस तरीके से आपको ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट बताते आना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी के। अब बेटा मैं डायमेंशन निकालूंगा, ध्यान दो डायमेंशन कैसे निकालेंगे। बराबर हर पॉइंट को सॉल्व करके देखना आप, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट और डायमेंशन। चलो अब डायमेंशन निकालेंगे हम लोग। बेटा हीट को ही क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। वर्क डन को ही क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसा नीचे वाला क्या था, टाइम, टाइम के लिए ले लिया टी इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है के। लेंथ लेंथ कैंसिल हुआ तो लेंथ बचा। ये टेम्परेचर के लिए थीटा का इस्तेमाल करो, कर लिया, यहां से लेंथ कैंसिल हो जाएगा आपका। अब के इक्वल टू क्या बचेगा, के इक्वल टू बचेगा फोर्स। फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू, सबको पता रहना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन तो याद ही रख लेना, वैसे फोर्स का डायमेंशन निकाल सकते हो आप मास इंटू एक्सलरेशन करके। मास एक्सलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी मास वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये मास के लिए एम वन हो जाएगा, लेंथ का वन हो जाएगा, टी का माइनस टू हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो मैंने फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट रख दिया, एम वन एल वन टी माइनस टू, ये फोर्स हो गया मेरा, ठीक है। नीचे दिया हुआ है टाइम, ये टाइम ले लिया। और बेटा ये थीटा जो है वो नीचे भेज दो, ये थीटा हो गया। अब इसको रीअरेंज कर दो, एम वन वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, एल वन नहीं लिखा वन तो भी चलेगा। ये टेम्परेचर टाइम, टाइम टू द पावर माइनस थ्री, और ये थीटा का इनवर्स, ये हो गया बेटा। ये मास लेंथ टाइम और टेम्परेचर, टेम्परेचर वाला ये है थीटा, और ये है टाइम के लिए। ये मेरा डायमेंशन हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का जो मैंने यहां पे लिख दिया था। अब आप निकाल लो थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट, वो निकालते हैं अभी हम लोग। हमारा कंडक्शन का फॉर्मूला क्या है बेटा, कंडक्शन का फॉर्मूला है dQ by dt इक्वल टू k dt by dx, ऐसा फॉर्मूला है हमारा। अब हम इसको रीअरेंज जब करते तो ऐसा कर रहे थे, dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन k,
इसको रीअरेंज कर लिया था हमने ऐसा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है इस टाइप से, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नथिंग बट करंट, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसी को आप करंट कहते हो, ये जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है आपका, जो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट रहता टेम्परेचर डिफरेंस, और ये जो रहता है ये रहता हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। कौन सा? थर्मल रेजिस्टेंस। अगर बेटा मैं इसको आर कह दू, ये थर्मल रेजिस्टेंस ही निकालना है ना मुझे, तो इसको मैं आर ले लेता हूं, यानी डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय आर। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय इसको इंटू डी टी अपॉन डी क्यू। ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बना लिया रीअरेंज करके। इसमें ये वाला है बेटा टेम्परेचर के लिए, तो मैं टेम्परेचर के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, या तो डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन। केल्विन का तो ऐसा है में, डिग्री सेल्सियस सीजीएस में, ठीक है ना। इसके बाद टाइम के लिए सेकंड, और ये हीट के लिए, हीट इज नथिंग बट वर्क डन यानी जूल। ये ऐसा अरेंज करेंगे हम लोग। अब आप देख लो, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ये डिग्री सेल्सियस सेकंड अपॉन ये कैलोरी है, तो ये जूल अगर लिखा तो एसआई में, और सीजीएस में अगर चाहिए तो कैलोरी। आप देख लो बेटा, एसआई और सीजीएस, और एक बार ध्यान दे देना, टेम्परेचर के लिए एसआई में केल्विन और सीजीएस में डिग्री सेल्सियस, वही अगर आपका हीट एसआई में लोगे तो जूल और सीजीएस में लोगे तो कैलोरी। ये ऐसे तो बराबर यहां पे मैंने डिग्री सेल्सियस लिखा है यानी सीजीएस लिखा हुआ है, ये कैलोरी है यानी सीजीएस लिखा हुआ है, तो ये सीजीएस यूनिट हुआ मेरा। अगर मुझे सीजीएस की जगह पे एसआई चाहिए, एसआई यूनिट, तो यहां पे क्या कर लूंगा? केल्विन, और ये कैलोरी की जगह पे क्या कर दूंगा? जूल। समझ में आ रहा बेटा? तो ये मेरा एसआई यूनिट रहेगा, ये मेरा सीजीएस यूनिट रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज मिनिमम 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। अब ये थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। ओके, बाय बेटा।